मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में वैक्सीन अभियान का टारगेट पूरा होने पर नाचे ऊर्जा मंत्री एवं कोविड प्रभारी प्रद्युम्न सिंह तोमर। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मनाया जश्न, कार्यकर्ताओं के साथ बांटे लड्डू। वैक्सीनेशन पर हजीर अस्पताल में मनाया जश्न। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। ऊर्जा मंत्री एवं कोविड प्रभारी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि इस कोरोना वैक्सीन महाअभियान में शहर के सभी सामान्य नागरिकों, सभी सामाजिक संस्थाओं, जिला प्रशासन, नगर निगम, ऊर्जा विभाग, पुलिस प्रशासन एवं मीडिया कर्मियों का सहयोग प्राप्त हुआ। इसी कारण आज महावैक्सीन अभियान सफल हो पाया है। सभी सम्मानीय साथियों को सादर प्रणाम करता हूँ और आज इस गौरव नगरी में जिस तरीके से सभी सामाजिक संस्थाओं ने, सभी हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सहकारी क्षेत्र के लोग, हमारे ऊर्जा विभाग के लोग, सारे लोगों ने आज जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए फ्री में वैक्सीन दी, तो फिर हम सबका भी दायित्व था कि हम लोग अपने आप को, अपने परिजन को, अपने इष्ट मित्रों की सुरक्षा के लिए वैक्सीन महाअभियान में भाग लें। और आप लोगों ने लिया और लेकर के ये जो हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य से हम दोपहर में ही लक्ष्य प्राप्त कर चुके थे। 1 बजे के करीब हम लक्ष्य से ऊपर वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और शाम तक हम इसी गति से प्रयास जारी रखें और इस वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाएं। अगले पर डे भी हमारा ये वैक्सीनेशन अभियान निरंतर जारी रहेगा, इसमें आपका ऐसे ही सहयोग मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।